वेलकम बैक टू उत्तराखंड फैमिली ब्लॉग। तो मैं आज आप लोगों के सामने न्यू ब्लॉग के साथ आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 12 बजे से। तो आज हम सभी लोग जा रहे हैं हल्द्वानी घूमने के लिए। तो हम लोगों ने आज प्रोग्राम बना दिया कि हम हल्द्वानी घूमने के लिए। तो हिम भैया भी जा रहे हैं, ये हमें भी हल्द्वानी लेके जाएंगे। हरगन जी सारे विद फैमिली हम जा रहे हैं हल्द्वानी मार्केट घूमने के लिए अभी। तो हिम भैया ले जाएंगे हमें अपनी गाड़ी में, वहाँ से फिर हम ऑटो करके आएंगे। चलो आप स्टार्ट करो, गाड़ी में आते हैं। तो यूं ही बने रहिए, फिर दिखाते हैं आपको हल्द्वानी का व्यू और क्या खरीदारी करने जाने हैं हमको कुछ पता नहीं है। हमसे बोला गया है कि आप रेडी हो, हम रेडी हो चुके हैं, तो बने रहिए। तो आपको फुलवारी तो मैंने कई बार दिखा दी है, उस समय सब्जी वगैरह उगी नहीं थी तो सब्जी भी उग चुकी है और नमन भी रेडी हो चुका आ गया है। तो यहीं बने रहिए मेरे साथ। हमारी गाड़ी गई है उस साइड बैक करने के लिए। तो हम लोग सभी बाहर आ चुके हैं सड़क पर। तो आप देख सकते हो यहाँ का अभी का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, फसल असल कट के सारी रेडी हो चुकी है। तो बने रहे यूँ ही हमारे साथ, ऐसे ही चुकी है हमारी गाड़ी। चलो सब लोग बैठो जल्दी जल्दी। हेम भैया नमस्कार। नमस्कार, सभी लोग बैठिए। आप जल्दी सब लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में। नमन बच्चे हमारे डिग्गी में बैठे हुए हैं और हम चारों पीछे से तो बने रहिए। बाल सेट करने कर फिर ला। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के सुनाए मीठे मीठे मेरे Oh,
सो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी मार्केट में। तो काफ़ी रौनक हो रही है मार्केट में, तो हम देख रहे हैं हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। चले गए, काफ़ी अच्छा लग रहा है मार्केट। काफ़ी टाइम बाद हम हल्द्वानी के मार्केट घूमे। वैसे तो हम जाते रहते हैं हल्द्वानी, लेकिन मार्केट जाने का हमें टाइम नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो अप डाउन होता है जम्मू से अपने गाँव तक का, तो इस बार फाइनली हमने टाइम तो निकाल ही लिया था घूमने का। तो शॉपिंग भी की है काफ़ी अच्छी अच्छी, तो घर पहुँचते आपको अपनी शॉपिंग दिखाते हैं। हम मार्केट से आ चुके हैं और हम वहाँ से हमने काफ़ी शॉपिंग की, थोड़ा बहुत जितने भी किया आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ आज जम्मू के लिए। तो अब मैंने ये सारे कपड़े रख दिए हैं बाहर, इनकी पैकिंग कर रही हूँ, मैं बैग पैक कर रही हूँ। तो अभी ना पहले मैं बैग पैक कर लेती हूँ। और प्रभा बना रही है यहाँ, वो खाने की तैयारी कर रही है, सब्जी काट रही है, और आयुष ले आई है कपड़े ये। तो मैं जल्दी से पैकिंग करती हूँ, फिर आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो आप मुझे बताना कि मेरी शॉपिंग कैसी हुई है, फिर आगे का दिखाएंगे आपको जम्मू वाला कि हम जम्मू में कैसे किस रास्ते से जा रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को मैंने कई बार ये वाली वीडियो बना दी है, लेकिन आज भी दिखाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। यूँ ही जल्दी मिलती हूँ आपको। मैंने पकिया यहाँ के लिए, तो ये पकिया कैसे हैं अभी आपको दिखाऊंगी। हम कट करेंगे अपने आप, इसमें एयर भरेगी तो एकदम से फूल जाएंगे। हम लग रहा है ओपन करेंगे, देखते कैसे खुलेंगे। ये देखो, ये कुछ इस तरह से खुल चुका, ये कुछ इस तरह से खुल चुका, आप लोग देख सकते हो। इसमें एयर घुस के तो खुद ही खुल जाता है। तो ये हो गया हमारे दो तकियों की शॉपिंग, और दिखाते हैं आपको, ठीक है। आयुषी के लिए ले रखी हमने कार्गो जींस, ये लिए हमने ब्लू कलर की। और भी है शॉपिंग, अभी आपको दिखाते हैं। आयुषी के लिए हमने खरीदी है स्वेटर जींस के साथ पहनने के लिए, ये एक कलर, ये शेडी व्हाइट एंड ब्राउन। और दूसरा है इस कलर का। अब होगी इनकी ओपनिंग। तो ये वाला जो गर्म कुर्ता खरीदा है, ये खरीदा है प्रभा ने अपने लिए। इसका कलर है इस तरह से पिंक, तो इसके साथ पूरा सेट है। तो यह इसका पूरा सेट जो प्रभा ने लिया है, और मैंने लिए रखे अपने लिए पिस्ता ग्रीन। तो मेरा है पिस्ता ग्रीन, मैंने तो इस तरह से ले रखा है। इसका भी पूरा सेट है, बट इसमें भी दुपट्टा नहीं है। डेली वेयर पहनने के लिए ये सेट मेरे को काफ़ी पसंद आया, तो मैंने हल्द्वानी मार्केट से ये खरीद लिया। सो गाइस, ऐसे बने रहिए हमारे साथ। वैसे तो हमने और भी खरीदा, बच्चों के लिए बैग वगैरह खरीदी, कुछ छोटे मोटे सामान लिए, और खूब सारी मस्ती की मार्केट में। उतना दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ होने के कारण मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखा पाई। तो अब हम कर रहे हैं तैयारी जाने की, बने रहिए, खाना वाना खाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको अपना सफ़र। तब तक के लिए ब्लॉक स्टार्टिंग हो रही नेक्स्ट डे से। तो हम सुबह के 10:30 बजे घर पर पहुंच चुके हैं। तो अब करते हैं नहाने धोने का कार्यक्रम, और थकान भी काफ़ी हो चुकी है, आप लोग हमारे हमको देख सकते हो। तो काफ़ी इन्जॉय किया सारा सफ़र, काफ़ी अच्छा रहा हमारा। और उत्तराखंड और जम्मू का जो मौसम है नॉर्मली है, ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही। अभी यहाँ एम्बुलेंस नहीं चल रहे हैं जैसे उत्तराखंड में भी,
नहीं चल रहे थे गांव एरिया में, जो जो हमारा गांव था वहाँ हल्की फुल्की ठंड थी, लेकिन इस साइड बिल्कुल अभी ठंड नहीं हो रही है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।